तो मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने एक बड़ा बयान दिया है। इरफान पठान ने कहा है कि काश मैं भी रोहित शर्मा की कप्तानी में आईपीएल खेल पाता। तो आखिरकार इरफान पठान ने यह बयान क्यों दिया है, ये आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए आपको बताते हैं कि इरफान पठान ने रोहित शर्मा को लेकर ऐसा क्यों कहा कि काश मैं भी रोहित शर्मा की कप्तानी में आईपीएल खेल पाता। दरअसल मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज आकाश मंडवाल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 3.3 ओवर में 5 रन देकर 5 विकेट चटकाए और मुंबई इंडियंस को 81 रन से मुकाबला जिता दिया था। और आकाश मंडवाल की इसी परफॉर्मेंस के बाद इरफान पठान का ये बड़ा बयान आया था। इरफान पठान ने कहा था कि मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है और रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान है जो रातों रात सुपरस्टार पैदा कर देते हैं, रातों रात किसी भी खिलाड़ी को सुपरस्टार बनाते हैं और नए खिलाड़ियों को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। और इसका एक उदाहरण आकाश मंडवाल हैं। आकाश मंडवाल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने 3.3 ओवर में पूरी टीम धराशाही कर दी, मात्र 5 रन देकर 5 विकेट चटकाए और लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रन से मुकाबला हरा कर मुंबई इंडियंस को फाइनल में पहुंचने के लिए रास्ता आसान कर दिया। मुंबई इंडियंस का आज मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस से। गुजरात टाइटंस को हराकर मुंबई इंडियंस आज फाइनल में पहुंच सकती है अगर गुजरात टाइटंस को मुंबई इंडियंस हरा दिया। और मुंबई इंडियंस का अगर पिछले 7 प्लेऑफ की बात करें तो मुंबई इंडियंस पिछले 7 प्लेऑफ में अभी तक मुकाबला नहीं हारी है, तो ये गुजरात टाइटंस के लिए एक चिंता का विषय है। वहीं अगर गुजरात टाइटंस की बात करें तो इस आईपीएल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है गुजरात टाइटंस ने और हो सकता है कि गुजरात टाइटंस भी ये मुकाबला जीत सके। दोनों की ये टक्कर होगी, औपकाली टक्कर होगी, मुंबई इंडियंस वर्सेज गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या वर्सेज रोहित शर्मा, धमाकेदार ये मुकाबला होने वाला आज शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और आज एक दूसरा फाइनलिस्ट भी हमको मिल जाएगा, या गुजरात टाइटंस या फिर मुंबई इंडियंस, इन दोनों टीमों में से एक कोई टीम फाइनल में पहुंचेगी और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 28 तारीख को। तो देखना होगा कि कौन सी दूसरी टीम होगी जो फाइनल में पहुंचेगी। एक बात तो कंफर्म है कि नया फाइनलिस्ट नहीं मिलने वाला है। अगर गुजरात पहुंचती है फाइनल में तब भी गुजरात और सीएसके के बीच होगा मुकाबला फाइनल का, और दोनों ही टीम पहले भी आईपीएल का खिताब जीत चुकी हैं। अगर एमआई वर्सेस आपकी सीएसके के खिलाफ मुकाबला होगा तब भी ये दोनों ही टीमें फाइनल मुकाबले जीत चुकी हैं। मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल खिताब जीता है तो वहीं आपकी सीएसके ने 4 बार खिताब जीता है। तो आपको क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस या फिर गुजरात टाइटंस कौन सी होगी दूसरी फाइनलिस्ट टीम, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।